कोविड 19 कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का सोमवार को जिले के कोविड 19 के नोडल अधिकारी संजय कुमार खत्री ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नोडल अधिकारी ने कंट्रोल रूम के क्रियाकलापों की जानकारी हासिल की, जिसके संबंध में नोडल अधिकारी संजय कुमार खत्री ने बताया कि कंट्रोल रूम ने निगरानी समिति के साथ आशा बहुओं के कार्यों की भी निगरानी की जा रही है। संजय कुमार खत्री ने बताया कि जिले में कोरोना के बचाव के लिए किया जा रहा कार्य बेहतर है, जिसकी वजह से जिले में कोरोना पर काफी कंट्रोल है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, जिससे घर परिवार को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए जिले के नोडल अधिकारी संजय कुमार खत्री ने कहा, जब शुरू में इधर सर मैकडोनल्ड दस्ता आ रहे हैं, क्या किया है वो तो अभी सब दो बजे से हमारी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट किस पर आती है? कंप्लेंट सर जो है मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर की है दो, एक दो बेस भी, तो उसमें ये कंप्लेंट आती थी कि सर हमारा राशन है, राशन का आज के दिन में कितनी आई है? आज की कोई कंप्लेंट आई है दिखाओ। हाँ जी सर, ये बताओ तुम्हारे कंट्रोल रूम में सीसी कैमरा लगा है? हाँ जी, कोई शिकायत नहीं सर। ये तुम्हारे दरवाजे के ऊपर जो लगाई गई है ना, सीसी कैसे वो देखा है? इसका डीवीआर कहाँ है जहाँ से तुम देखते हो? ये ऑनलाइन वाला है, अंतर है सर। डीवीआर कनेक्ट डीवीआर सर देखिए कितना प्रवाही है गोरखपुरी। अच्छा, हमने अभी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, तो कंट्रोल रूम पे हमारे एडीएम साहब ने जितनी हमारी निगरानी समितियां हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है और पूछा जा रहा है आशा और से कि कहीं पर भी किसी को फीवर की दिक्कत तो नहीं है या फिर किसी को सांस का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो जिला स्तर से काफ़ी प्रभावी मॉनिटरिंग है और मैं समझता हूँ कि इसी प्रभावी मॉनिटरिंग की वजह से ही गोरखपुर ज़िले में अब तक कोरोना पर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो बिना मास्क या इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं? हाँ, उनके लिए यही है कि स्वयं के बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए और बाकी हमारी जितनी जनता सारे लोगों के बचाव के लिए मास्क ज़रूर पहने और सैनिटाइजेशन, जिसमें हाथ धोना या हाथ का सैनिटाइजेशन करना है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें।